शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देगरस दारवा रोड पर मांडवा गांव के पास स्थित पुल का एक हिस्सा धस गया है, जिससे पुल के एक छोर पर गड्ढा बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों को डर है कि भविष्य में पुल की ये लच्चर हालत सड़क हादसों और जीवित हानि का सबब ना बन जाए। इंसान के शरीर में खून को प्रभावित करने वाली नसें अगर दुरुस्त है तो इंसान का शारीरिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है। ठीक इसी तरह किसी भी गांव और शहर के रास्ते और पुल संबंधित इलाके के विकास प्रवाह की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता को दर्शाते हैं। इस तर्ज पर बात अगर दिग्रस दारवा महामार्ग की जाए तो मालूम पड़ता है कि यहाँ का काम बिजली की गति से शुरू हुआ और कछुआ गति पर आकर रुक गया। परेशानी से अभी तक पूरी तरह से छुटकारा भी मिला नहीं कि इसी मार्ग पर स्थित मांडवा ग्राम के पास इस पुल का एक कोना धस जाने से इस पुल से गुजरने वालों के सर पर खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या पर यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस पुल की मरम्मत की जाए, वरना भविष्य में यहाँ जीवित हानि की संभावनाएं बढ़ सकती है। दारवा रोड वरील मांडवा गावाजवळ जवळील हा पुल आहे। या पुलाजवळचं काम आधी केलेलं आहे, पण ते अजूनही सुरळीत केलेलं नाही आहे। पुलाचं काम जे आहे ते उकरून ठेवलेलं आहे आणि त्या पुलाच्या वरच्या पाण्याच्यानं तो पूल जास्त खसत चाललेला आहे। इथं जीवित हानी होण्याची शक्यता व ॲक्सिडेंट होण्याची याच्यातनी पडण्याची कुणाची हे म्हणजे पडू शकते, कोणताही ॲक्सिडेंट होऊ शकते। त्वरित या कॉन्ट्रॅक्टरनी या शासकीय लोकांनी याच्यावर लक्ष देऊन इथं त्वरित काम सुधारण्यात यावं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस समस्या की ओर ध्यान देकर मरम्मत के काम को जल्द शुरू करे, ऐसी मांग यहाँ के पूर्व सरपंच भी कर रहे हैं। और यह मांग इसीलिए जायज भी है क्योंकि राज्य मार्ग से राष्ट्रीय महामार्ग में तब्दील हो चुके दिग्रस दारवा कारंजा महामार्ग से रोजाना हजारों की संख्या में राहगीर और वाहन गुजरते हैं। बारिश के मौसम और शाम के वक्त इस मार्ग पर रोशनी का अभाव इस समस्या की गहराई को बढ़ा देता है। सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं दुर्लक्ष असल्यामुळे मांडवा गावातील पुलाचं अर्धा भाग खचला आहे। भविष्यात या पुलामुळे नागरिकाला जनतेला दुर्घटना व्हायची शक्यता असल्यामुळे शासनाने तारो त्याच्यावर उपयोजना करून ते उपयोजना करण्या म्हणून आज विनंती आहे। मी गावचे सर्व सांगतो हे तत्काळ पुलाची दुरुस्ती करून किंवा काहीतरी प्रयाग करून त्याच्यावर अंमलबजावणी करण्यात यावं अशी माझी एक सरपंच म्हणून विनंती आहे। इस रास्ते के निर्माण कार्य के चलते लंबे समय से यहाँ से गुजरने वाले लोग धूल मिट्टी और गड्ढों से जूझ रहे थे। अब ऐसे में इस महत्वपूर्ण पुल की खस्ता हालत उजागर हो चुकी है। गौरतलब है कि राहगीर वाहन चालकों सहित मांडवा ग्राम के बूढ़े बच्चे सहित यहाँ के निवासी इस पुल से ही रोजाना आते जाते हैं। ऐसे में संबंधित विभाग इस समस्या की ओर ध्यान दे और भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहे इस धसे हुए पुल की जल्द से जल्द मरम्मत कर लोगों को राहत दिलाए, ऐसी मांग अब उठ रही है। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।